ये भाई सामने आदमी बैठे हैं और इसकी साइज देखिए, ये क्या है? ये जहाज है? कौन सी चीज है यार, इतना बड़ा जहाज? शिप के अंदर का छोटा सा पार्ट है जो शिप है मेन, वो तो भाई कितनी बड़ी रहती है आप सोच सकते हो? कमाल, कट कट के यहाँ सब ऐसे ऐसी जगह पे बिकते हैं। ये इंजन है, इससे भी बड़ी शिप आती है, बहुत आती है, और 45,000 टन, 45,000 टन बड़ी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, माय नेम इज अनस खान एंड यू आर वाचिंग ट्रैवल विद एके। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बांग्लादेश के एक नए शहर में। आप जब से ढाका का ब्लॉग देख रहे रहेंगे, ये दूसरा सिटी है हमारी बांग्लादेश में, इसका नाम है चिटोगांग। चिटोगांग इसको दो नाम बोलते हैं, चिटोग्राम और चिटोगांग दोनों उसे बोलते हैं, और ये बांग्लादेश की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है। तो आप लोगों को आज लेके चलेंगे यहाँ के शिप ब्रेकिंग यार्ड पे, और बता दूँ चिटोगांग में 100 एक्टिव शिप ब्रेकिंग यार्ड है, 100 एक्टिव। आप समझ सकते हो कितना बड़ी इंडस्ट्री है, लगभग 2 लाख बांग्लादेशी लोग, 2 लाख हैं लोग जो बांग्लादेश के नॉर्थन रीजन से आए हैं, वो यहाँ काम करते हैं ये शिप ब्रेकिंग यार्ड पे, और उनकी सैलरी बड़ी कम होती है, मतलब लगभग एक दिन की जो दहाड़ी होती है उनकी वो $3 से $5 की होती है, लेकिन कैसे यहाँ की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके हिसाब से वो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। 2 लाख लोग को यहाँ से वो सप्लाई, मतलब 2 लाख लोग यहाँ काम करते हैं शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री में। तो दुनिया के लगभग 50% शिप यहीं डिसमेंटल होते हैं, और उसको फिर कैसे बेचते हैं सेकेंड हैंड मार्केट में, क्या होता है उसको, कैसे काटते हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये बता दूं कि चिटोग्राम जहाँ हम रुके हैं वहाँ से 20 किलोमीटर दूर है शिप ब्रेकिंग यार्ड, तो हम देख रहे हैं कि वहाँ जाना कैसे है, कैसे जा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है, तो वही सारी चीज़ें ढूंढ रहे हैं। और ये देख सकते हो पहला व्यू चिटोग्राम का, जो कि लगभग सेम ही है, रिक्शा बहुत सारे हैं, ढाका जैसा सेम ही है, और ये थोड़ा सा ढाका से, मतलब ढाका थोड़ा सा एडवांस है इससे, और ये थोड़ा सा, मतलब आप बोल सकते हो ये गांव टाइप और थोड़ा अलग टाइप का है। तो भाई यहाँ से अपना शिप ब्रेकिंग यार्ड जाना तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हमने एक रिक्शा वाले से पूछा, सीएनजी रिक्शा वाले ने, वो रिक्शा वाले ने बोला कि 2,000 टका लूँगा मैं लेके जाने और लेके आने का, जो कि बहुत ज़्यादा है भाई, 2,000 टका बहुत ज़्यादा है। हम लोग को मालूम था कि ओवर चार्ज कर ही रहा है, तो हमने डिसीजन लिया कि वहाँ से हमने एक छोटा रिक्शा जैसे आता है जो आप लोगों को दिखाया, ये वाला रिक्शा ये लेके आए हैं, यहाँ से बस लेके हम यहाँ से कोलाला जाएंगे, फिर वहाँ से एक बस लेके शिप ब्रेकिंग यार्ड। कहाँ जा रही है दादा? कोलाला। कोलाला, तो यहाँ से कोलाला जाएंगे, फिर वहाँ से क्या नाम है बच्ची का जगह का? बाटिहारी। तो शिप ब्रेकिंग यार्ड का पूरा वो है वो बाटिहारी में होता है, तो यहाँ से तो डायरेक्ट बस जा रही नहीं है, कोलाला जाएगी फिर वहाँ से बाटियारी जाएगी, तो हम लोग जब तक वहाँ तक निकलते फिर उसके आगे दूसरी बस लेना है। तो देखिए ऐसी कुछ पुरानी बस है चिटागोंग की, ऐसी बस होती है ऑलमोस्ट बांग्लादेश में, और उसकी हालत आप देख ही सकते हो कैसी है, क्योंकि अभी ये जो लोकल बस है तो ऐसी तो होना ही है, देख सकते हो सीट वीट साली काफ़ी पुरानी है, तो उसमें टिकट भी कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, टिकट भी कुछ 10-15 टका की होती है, जो कि होता है 10 रुपये से भी कम होता है इंडिया के, तो उसके हिसाब से तो काफ़ी ठीक है। तो बैठते कोलाला चलते, फिर वहाँ से दूसरी बस लेके बाटियारी चलेंगे। तो भाई एक बस से उतर चुके हैं, आप पीछे देख सकते हो, बस नंबर 7-8-30। ओके, जो पिछले वाली बस थी आप पीछे देख सकते हो उससे हम लोग अभी उतरे हैं, जो कि टिकट ली 25 टका जो होते हैं 20 से भी कम होते हैं, तो यहाँ तक हम आधा डेस्टिनेशन आधा रास्ता पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद यहाँ से हमको बस मिलेगी बस नंबर 7, 8 और 13। तो रुकते हैं यहीं, सब बस आ रही है यहीं रुकेंगी, यहीं बोले रुकने। तो अंकल इतनी मदद कर रहे हैं हमारी, आप देख सकते हो ये हमारे लिए बस ढूंढ रहे हैं, इतनी मदद कर रहे हैं देख सकते हो, और मतलब हमारे लिए पिछले 15 मिनट से खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आप लोगों को मैं बस पे बैठा के ही छोड़ूंगा, मतलब बहुत बहुत अच्छे हेल्पिंग नेचर वाले, बहुत अच्छे, और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है यार, कितनी ज़्यादा मदद कर रहे हैं आप लोगों को क्या बताओ, हम लोग के लिए लड़ रहे हैं कि सीट दे इनको, सीट बैठने, तो हम लोग बोले खड़े होकर चले आएंगे, लेकिन नहीं। और ये है डिप्टी रजिस्ट्रार एक यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ चिटागोंग में, बहुत मदद की हमारी, बहुत ज़्यादा मदद की हमारी, और ये एक बस में बात करके बोले यहाँ से बैठ जाइए, भाड़ा पूछ रहे हैं 2 लोगों का 40। बामा जाने होता ये बोल देगा क्या, बोल दियो बामे यार क्या यार के मैं पैसे भी देता पहले या सेंटर रास्ता सेंटर रास्ता का तू दिखाई दियो खाना आने जाओगे जाना सो रहा ओ हां और इधर जाना पड़ेगा तू इधर हो दियो हैं इधर 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 तुम ना बांग्ला नहीं समझेगा जावे दूर नहीं वो साइन बोर्ड का एरिया है उसके इलाके ना हां वो ठीक है ठीक है वहां तू उतर देगा और चल जा चल 40 रुपए दो 20-20 40 रुपया चल बैठ जा सीट बैठ जा ओके थैंक यू सो मच सर। कोई पूछना तो पूछ लेंगे, हम हिंदी से पूछ लेंगे। थैंक यू सो मच सर। तो बस में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए सब, इधर ही नज़र मारे हुए हैं, फाइनली बस चली है,
बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, पता नहीं कुछ शायद कुछ एक्सीडेंट हुआ कि क्या हुआ है आगे, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। एक्सीडेंट हुआ है इसलिए बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। और यहाँ भीड़ भी मतलब ठीक ठाक है, वंशी भाई आगे बैठे हुए हैं। भाई बस हमारी एक ढलांग पे फंस गई है, तो लोग उतर रहे हैं बाहर, देख सकते हो धक्का मारेंगे फिर निकलेंगे, क्योंकि बस पूरी ऐसे ढलांग पे से रुक गई है बीच में ही, तो हम भी उतरेंगे, हम भी धक्का मारेंगे थोड़ा सा। चलो चले बंसी भाई, चलो चलो बस को धक्का मारते हैं, तो हम भी धक्का मारेंगे। दाम दो, दे दे दो, ये देखिए पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखिए देखिए एकदम स्लोप पे फंस गई है बस, देखिए तो देखेंगे हम भी धक्का मारेंगे। और ये पूरा एक गांव है जैसा है, देख सकते हो छोटी सी दुकान और ये, और एकदम देख सकते हो कैसे सिचुएशन में फंसी है बस हमारी। देखते हैं होप चढ़ जाए या फिर हम लोग मेहनत करना पड़ेगा, हमको मेहनत कर लेंगे उसमें क्या यार, इतनी ये क्यों बनाए हैं, होप चढ़ जाए। बंसी भाई धक्का मारो, बंसी भाई धक्का मारो, चलो बुला रहे, धक्का मारो भाई, चलो धक्का मारते फिर आप लोगों से मिलते हैं, धक्का मारते। तो भाई हम धक्का मारे फिर भी नहीं हुई, अब पीछे जाके वापस एकदम स्पीड में ऊपर आ रहे हैं, हो आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ गए बंसी भाई, और छोड़ के चले भी जाए, देखो आ गई भाई बस चढ़ गई फाइनली भाई, 10 मिनट की मेहनत के बाद मज़ा आ गई भाई, लेकिन ये एक्सपीरियंस है यार कुछ, देखो देखिए जंगल के बीच में ये भी एक एक्सपीरियंस है भाई। ये देखिए सारे बोर्ड, ये जो देख रहे हो अभी पूरा गार्डन, इसमें पूरा पानी भर जाता है बारिश में, और अभी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, अभी बारिश का टाइम नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पानी नहीं भरा है, नहीं तो पूरा भरे रहता, आप देख सकते हो बोर्ड भी यहाँ पूरे सब रखे हुए हैं। देखिए यार क्या नज़ारा है, शानदार व्यू, क्या प्यारा व्यू है, ये देखिए यहाँ तक पूरा पानी भरे रहता है, और बोर्ड भी रखी हुई है, सारे मछुआरे हैं देख सकते हो आप, एक फिशिंग टाउन जैसा कुछ लग रहा है, जगह बड़ी अच्छी है अच्छी भाई। वो देखिए वहाँ समुंदर है पीछे, तो हम पहुँच गए फाइनली, 2 घंटा लगा पूरा आने में, थोड़ा सा मुश्किल आई लेकिन वर्थ इट, मतलब इतना अच्छा रास्ता था, 2 घंटा मालूम ही नहीं पड़ा कहाँ गया। हमारी छोटी बस हमको वहाँ पे उतारी है, और इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ भाई, ये बात हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने का यही फ़ायदा होता है कि आप लोगों को मालूम नहीं होता कि क्या क्या एक्सपीरियंस करने मिलेगा, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बस हमारी ख़राब हो गई थी, तो उसकी वजह से हमको कितना पीछे का, और सबसे मेन जो ट्रैफिक थी आप देख रहे हो इतनी सारी ट्रैफिक थी, तो हम पीछे जंगल से दूसरे गांव की तरफ से आए, तो कितना अच्छा व्यू, तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो अब हम रुके हैं यहाँ पे, थोड़ा सा चाय पी लेते हैं भाई, फिर उसके बाद आगे हमारा सफ़र कंटिन्यू करते हैं, इधर जाना है हमको आगे। तो ये भाई मिले, आपका नाम भूल गया उसमें, इजाज़ भाई के दोस्त हमको बोले भाई आप बैठे हो, चलिए शीख ब्रेकिंग यार्ड तक छोड़ देते हैं बाइक से। ओके, जजाकल्ला। तो भाई बाइक पे लेके जा रहे हैं, ब्रेकिंग यहाँ से कितना दूर है भाई, वो तो बोल रहे कि 5 मिनट लगेगा। अच्छा तो भाई वो बोला मैं जा, कितने अच्छे लोग हैं भाई, वहाँ हम लोग खड़े थे तो बाइक से छोड़ देते हैं। चैनल है क्या आपका भाई? हाँ, यूट्यूब पे चैनल है ट्रैवल विद AK। चलते हैं भाई बाइक पे, आगे आपको मिलते हैं शिप ब्रेकिंग यार्ड पे। तो भाई ये भाई भी हमारे साथ, इमदाद भाई भी साथ में चल रहे हैं बाइक यहीं पार्क करके। आप सामने समुंदर देख सकते हो, ये सारा कुछ शिप के अंदर से निकला हुआ सामान है, और सब तोड़ फोड़ तो अंदर चल ही रही है। अब अंदर चलते हैं समुंदर की तरफ, देखते हैं कि कोई मना करता है या फिर जाने में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हम इमदाद भाई को ले लिए, बोले भाई अगर किसी को कुछ लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी तो बोल देना कि खाली हम थोड़ा टाइम के लिए देखने जा रहे हैं कि कैसे शिप तोड़ते हैं, क्या काम होता है, कैसे मतलब सारी चीज़ें होती है, तो बस वही देख के हम रिटर्न आ जाएंगे। और यहाँ जाने का रास्ता देखिए कितना गंदा सा है, उधर से भी रास्ता है लेकिन हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोग नहीं है। ये देखिए भाई, वो देखिए भाई कितना बड़ा है, वो आपको ऐसा समझ भी नहीं आएगा। बंसी भाई यहाँ से जाने की जगह नहीं है, लेकिन यहाँ से जाने की जगह नहीं है, ये पूरा ख़राब सी जो वो है, वो देखिए भाई वो शिप क्या बड़ी खड़ी है। बंसी भाई वहाँ से नहीं, दलदल जैसा है, दलदल जैसा यहाँ से नहीं, तो अब वहाँ से चलते हैं दूसरी तरफ से। आप बड़ी शिप खड़ी है भाई, और उसको पूरा काट देते हैं लोग, देखते हैं चलते आप लोगों को भी दिखाते हैं। सोच रहे कि यहाँ से घूम के जाएंगे, बट यहाँ 5-6 लोग मिल गए हैं, ये बोले चलिए यहाँ से जगह है, एक छोटा सा शॉर्टकट है, वो आपको बताते हैं यहाँ से कहीं से अंदर से कट के जाने का।
देखते हैं, दिख तो नहीं रही थी जगह जाने के, लेकिन भाई बोल रहे हैं कि जगह है। अच्छा तो भाई ऐसा रास्ता बना हुआ है देख सकते हो, ये देखिए इस पे ही पैर रखेंगे तो बराबर जा सकते हैं। हाँ ओ भाई हाथ वाथ का क्या हाल हो गया, मतलब उस पे पैर रखना था, इधर उधर रखते तो डायरेक्ट अंदर उसमें गटर जैसा जो है उस पे गिर जाते। ओ ये क्या चीज़ है भाई, चलिए आप लोगों को नज़दीक से दिखाता हूँ सारा प्रोसेस कैसा क्या है, चलते हैं। भाई ये चीज़ क्या है यार, इतनी बड़ी आप लोग समझ नहीं सकते, इतना ज़्यादा बड़ा है साइज़ में ये सब, क्या कितनी सारी शिप रखी है, सारी तोड़ते हैं। और पाप रे पाप, ये क्या है, ये जहाज है, बाप रे बाप, आधा काट दिए इसको, बाप रे बाप, ये तो एक ही हिस्सा है ना बड़े जहाज का। अरे 10 मंजिल थोड़ी ना बंसी भाई, वो कम से कम कुछ नहीं तो 50 मंजिल होएगा। अरे बाप रे बाप बाप, आपको आइडिया नहीं होगा कि कितना ज्यादा बड़ा है, बाप रे, वो भी आधा काट चुके हैं उसको, देख सकते हो आधा आधा कट गया है वो, बाप रे बाप, कसम से आपको कोई कुछ समझ नहीं सकते हो कि कितनी ज़्यादा हाइट है। हम नज़दीक से जाके आपको दिखाएंगे कि हम कितने बड़े दिख रहे हैं और वो कितना बड़ा है। ओह ऊपर वेल्डिंग करके काट रहे हैं, चिंगारी गिर रही है उसकी पूरी, ये छोटी छोटी नाव, यहाँ लगता है यहाँ भी पूरा पानी आ जाता होगा, और अभी तो पानी लो टाइड है तो पानी वो तरफ अंदर है एकदम, और ये सारी बोट खड़ी है, पानी रहेगा तो फिर ये भी पीछे आएगी। बाप रे ये क्या चीज़ है, देखिए ये देखिए भाई, ओहो मतलब आपको ऐसा समझ ही में नहीं आएगा ये चीज़ क्या है, इतने बड़े शिप, मतलब और तुमको मालूम मैंने गूगल पे देख रहा था, यहाँ जो शिप आते हैं उसकी वैल्यू हज़ार करोड़ के शिप भी आते हैं यहाँ पे, इतने महंगे इतने बड़े बड़े शिप आते हैं, मतलब दुनिया के जो 20% शिप है ना, पूरे दुनिया के 20% शिप यहाँ कटते हैं, इस जगह कटते हैं दुनिया के 20% बड़े बड़े शिप, और ये शिप देखिए यार कितना ज़्यादा बड़ा है। और ये क्या है भाई, ये क्या है, ये क्या है, ये भी जहाज है, ये जहाज का कुछ हिस्सा है, बाप रे, ये जहाज का हिस्सा है, इतना बड़ा, इतने बड़ा बड़ा जहाज आता है, और काट कितना टाइम लगता है पूरा काटने में, 3 महीने में काट देते हैं, बाप रे बाप, ये जहाज का एक इतना बड़ा हिस्सा, मैं इसके नजदीक जाके आपको दिखा दूंगा कितना, वहां तक जा सकते हैं ना, जा सकते हैं वहां पे, नहीं नहीं वहाँ से आप आइडिया मिलेगा ना पब्लिक को कि कितना बड़ा है, अपने लोग कितने बड़े उसके इतना भी नहीं दिखेंगे उसके सामने, तो वो जहाज का एक हिस्सा है होगा उसके अंदर का, भाई इसकी टंकी इतनी बड़ी है तो जहाज जब बड़ा वाला जहाज आता है कहाँ रहता है, यहीं काटते हैं उसको, यहीं पे पूरे जगह पे इधर पे, वाह ये कुछ हिस्सा है उसको, अब यहाँ से तुमको थोड़ा सा आइडिया समझ में आने लगेगा कि कितना बड़ा है ये, देखिए इसके और नज़दीक चलते हैं और देखते हैं। भाई मैं तो कम्प्लीटली शॉक हो गया, मतलब इतने बड़े बड़े जहाज समुंदर में चलते हैं और वो और यहाँ 20% दुनिया के जहाज यहीं काटते हैं, उसमें आप वो जहाज में देख सकते हो वहाँ काम चल ही रहा है, ऊपर पूरी चिंगारी गिर रही है, उसको काट वाट रहे होंगे यार, कितनी बड़ी जगह है आप देख सकते हो, कितनी बड़ी जगह है, मतलब यहाँ से आप समझ सकते हो। अब मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, ये इधर से लेके उधर तक कम से कम कुछ नहीं तो 1.5 किलोमीटर होगा, ये समझ जाइए इतना बड़ा, ये वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कम से कम 1.5 किलोमीटर होगा कम से कम, क्योंकि भाई लगभग यहाँ से आपको वहाँ जाने 10 मिनट तो आराम से जाएगा, अगर प्रॉपर चलेंगे तो 1 किलोमीटर के ऊपर का ही है ये। देखिए वहाँ एक आदमी खड़ा आपको दिख भी नहीं रहा होगा, इतना दूर आप समझ सकते हो, वो भी आधे पार्ट पे खड़ा है और वो ऊपर सारी चीज़ें हैं, क्या बोले भाई, क्या चीज़ है यार इतना बड़ा जहाज, इतना बड़ा, देखो वो भी आ गए भाई भी आ गए। अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा होगा कि इसकी साइज़ क्या है, इसकी साइज़ क्या है भाई, बाप रे, वो देखो दो छोटे आदमी घूम रहे हैं, वहाँ से समझ जाइए इतने, और वो देखो कहाँ तक है, ये सामने आदमी बैठे हैं और इसकी साइज़ देखिए, बाप रे बाप, तो भाई आप समझ ही सकते हो मेरी हाइट देखिए और वो देखिए कहाँ है, मैं थोड़ा सा आगे आके आपको बताता हूँ, ये देखिए मतलब आप समझ सकते हो कम से कम वो कुछ नहीं तो, अब मैं मुंबई में तो बिल्डिंग देखते रहता हूँ, कुछ नहीं तो कम से कम मैं 30 से 40 माले की तो आराम से होगी भाई, तो देखिए वो आदमी बैठे हुए कितने छोटे से लग रहे हैं और वो कितना बड़ा, और ये एक शिप का एक छोटा सा पार्ट है, शिप के अंदर का छोटा सा पार्ट है, जो शिप है मेन वो तो भाई कितनी बड़ी रहती है आप सोच ही सकते हो कि छोटा पार्ट इतना बड़ा है, और वो पीछे एक शिप भी है वहाँ देख सकते हो, वो देखिए वो आधी कट चुकी तो भी कितनी बड़ी है, क्या है ये शिप का कुछ मालूम है,
शिप का वो बॉल कहता है गेट, वो दोनों एक शिप है ना। अच्छा अच्छा, उधर शिप है, उसका बॉल है अंदर का। अच्छा, तो एक शिप का सिर्फ एक छोटा सा बॉल है भाई, इतना कम मिलता है? अच्छा, बहुत कम मिलता है। अच्छा अच्छा, कम शिप में मिलता है, बहुत बड़ी शिप होती है वो, माने वो बहुत कीमती चीज है ये। अच्छा, शिप की बहुत कीमती। अच्छा, लेकिन वो थोड़े थोड़े शिप में पाई जाती है। अच्छा, थोड़े थोड़े शिप में पाई जाती है, बहुत बड़ी जो शिप होती है उसमें ही पाई जाती है। तो ये भाग्य का सामान है। तीन नहीं और पीछे और भी, ये एक शिप के अंदर, एक शिप के अंदर रहता। तो भाई सोचिए भाई, कितना बड़ा सिस्टम है। उधर भी एक बड़ी सी शिप करी, यहाँ से समझ भी नहीं आएगा, कम से कम 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर होगी। मिनी शिप। अच्छा, मिनी शिप की तरह है ये। अच्छा, इससे भी बड़ी शिप आती है? बहुत आती है। और 45,000 टन, 45,000 टन बड़ी ट्रिप पे हो, और ये छोटा सा हिस्सा है उसका। बाप रे, ये भी तो थोड़ी एक बड़ी है, लेकिन कट गई है पूरी वो। हाँ, PHP काट रहा है। अच्छा, बहुत सीधे तरह काट रहा है, यहाँ पर लोगों का काटता है। अच्छा, मशीन से काटता है वो। अच्छा अच्छा भाई, यहाँ लोग फुटबॉल भी खेल रहे हैं। ये जो पानी सुबह, आप जैसे सुने कि ये पानी पूरा 10 बजे रात में इधर आता है, फिर सुबह वापिस चले जाता है, तो यहाँ लोग फुटबॉल खेलते हैं जब बंद रहता है। तो अब चलते हैं वो तरफ जहाँ कट रहा है सिर्फ, देखते हैं जाने मिलता है नहीं मिलता है, देखते हैं जाके कि कैसा सिस्टम है, क्या है पूरा देखते हैं। चलिए, जाने मिलेगा कि नहीं? वहाँ जाने मिलेगा, मिलेगा ना भाई? हमारे बाप का नाम भी बचेगा। अच्छा, इनके इनके फादर का यहाँ बिजनेस है, तो यहाँ इनको जाने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रेंड बताऊंगा, आप लोग फ्रेंड मुझे बोला, मैं उसका फ्रेंड। ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। बोल रहे भाई इंशाल्लाह चले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं वहाँ कैसे काटते हैं, थोड़ा सा आप देख भी सकते हो, लेकिन नज़दीक जाके आप लोगों को अच्छे से दिखाते हैं। यहाँ पर बड़े सी बात है, वहाँ पर छोटे छोटे। अच्छा, ये सब काटते हैं, उसके बाद बेचते कहाँ हैं इसको? बेचते वो दुकान पर, लोकल दुकान, ट्रक भी माने। अच्छा, माने उसी वक्त जो काटने के लिए हम लोग खरीद रहे हैं, बराबर खरीद कर हम लोग वहाँ पर विदेश पटा रहे हैं उसको सजा के। अच्छा अच्छा, उसको बना के फिर विदेश में बेच। 6 मिली, 7 मिली, 8 मिली। अच्छा अच्छा, इस तरह से काट कर हम पटाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ से रुक के हम तो यहाँ से आए, तब यहाँ से नहीं जाएंगे, अब ये तरफ से जाएंगे। उसका कहता है ग्रीन यार्ड। तो भाई पसीना पसीना हो गया, आप देख सकते हो। वहाँ से हम आए हैं, जहाँ से आप लोगों को सारी शिप दिखाया, अब इस तरफ जाना है हमको, जहाँ शिप कटती है। देखते हैं कटते हुए कैसा सीन होता है, कैसा सारी चीज़ें होती है, आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो भाई हमारे इजाज़ भाई हमको दिखाने जा रहे हैं, और यहाँ इमदाद भाई भी रुके हुए हैं। चलते हैं देखते हैं हम, जब यहाँ से शूट करिए। अच्छा, तो जहाँ बोलेंगे आप वहाँ कैमरा छुपा लो। अच्छा, तो भाई बोले जहाँ बोलूँ मैं वहाँ कैमरा निकालना, जहाँ मना करूँ तो वहाँ वो कर देना, क्योंकि यहाँ लोग मना करते हैं रिकॉर्ड करने, थोड़ा सा मना करते हैं ना। मना करते हो, बहुत लोग मना करेगा। अच्छा अच्छा, सुनने के बाद नहीं। अच्छा अच्छा, सुनकर हम नहीं चल देंगे। अच्छा, तो मैं इसको ट्राईपॉड निकाल लेता हूँ, खाली उसमें रखता हूँ। ठीक, तो मिलता हूँ आप लोगों से आगे। तो भाई हम यहाँ ऑफिस में परमिशन लेने बैठे हैं, परमिशन जैसी मिलती है फिर आप फिर अंदर जाके देख सकते हैं, बिना परमिशन के नहीं देख सकते। परमिशन के लिए रुके हुए 10 मिनट से रुके हैं, जो जिनका मेन ओनर है वो आ रहे हैं, उनसे परमिशन लेके ही अंदर जा सकते हैं। तो भाई यहाँ से तो परमिशन नहीं मिली, बोले कि यहाँ हमारा थोड़ा सा काम चल रहा है, वो आपको दिखा नहीं सकते, तो यहाँ परमिशन नहीं मिली। यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, इससे भी ज़्यादा तकलीफ है यहाँ पर। यहाँ तो परमिशन आप लोगों को, वहाँ पर पुलिस है, बहुत बड़ा अंडरस्टैंड, बहुत बड़ा। अच्छा अच्छा, याद है? हाँ, बांग्लादेश में PHP 1 नंबर। अच्छा, जो PHP आगे, जो आगे वाला जो यार्ड है शिप ब्रेकिंग यार्ड, वो बांग्लादेश का सबसे बड़ा यार्ड है, तो वहाँ मुश्किल है परमिशन मिलना, और यहाँ मना कर दिए वहाँ सब ग्रीन, तो यहाँ मुश्किल ही। शायद आप लोगों को दिखा ना पाए कि कैसे कटता है, लेकिन दूर से आप लोगों को दिखा दिए थोड़ा सा। हाँ, चाय ठंडा पी जाए अभी, तो दूर से आप लोगों को तो आइडिया ही मिल गया होगा कि कैसे काटते हैं। ऊपर से थोड़ा सा हम लोगों को दिखा देते कि चिंगारी गिर रही थी, वो सारे काट रहे थे, तो दिखा नहीं सकते, इसलिए तकलीफ हो रहा है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग क्यों देख नहीं सकते? नहीं, दूर से हम देख लिए, हम समझ गए, मतलब आइडिया। सेफ्टी, उसका रीजन सेफ्टी भी है, क्योंकि ये जो जॉब है ना, ये दुनिया का सबसे मतलब खतरनाक जॉब है, खतरनाक जॉब है। मैं यहाँ पर जीवन देना पड़ता है, बराबर। मैंने इसमें लेकर आपको काम करने के लिए जीवन का मूल नहीं है, बराबर। ये दुनिया का सबसे मतलब खतरनाक जॉब में आता है, पढ़ के आपको मान जाना पड़ेगा, बराबर बराबर। बचने का कोई, मैं 2013 की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस पे लिखा था कि हर महीने में 2 लोग मरते हैं शिप ब्रेकिंग यार्ड में, हर महीने 2, मतलब एक साल में 25-24 लोग मरते हैं हर साल, जान की बलि देता है हर साल। तो वो इस काम के पैसा है पैसा है उस जॉब का, फैक्ट्री में कोई जॉब के पैसा नहीं है, बराबर।
तो उसके हिसाब से अगर सेफ्टी के हिसाब से अगर नहीं जाने दे रहे तो फिर ठीक ही है, कोई इशू नहीं है। और बाकी यहाँ सब हमको ही देख रहे हैं, चारों तरफ से हमको ही देख रहे हैं। तो आप चार्ज कीजिए ना पहले। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ शिप ब्रेकिंग जो आप लोगों को वहाँ दिखाए उसका माल कट कट के यहाँ सब ऐसे ऐसी जगह पे बिकते हैं। ये इंजन है, अच्छा छोटा छोटा इंजन, छोटा जहाज की, छोटा जहाज का छोटा वाला इंजन है जो ऐसा आप लोगों को वहाँ दिखाया। तो यहाँ कट के इंजन शेड, इंजन शेड फिर काट के छोटा छोटा पीस करके यहाँ से फिर यहाँ बेचते हैं। देखिए ऐसे ट्रक में भर के जाता है छोटा छोटा पीस, देखिए तो यही है। फिर वहाँ से शिप से काटते हैं छोटे छोटे पीस, फिर यहाँ से मतलब अगर लोहा है तो उसको अलग बेचते हैं, फर्नीचर है उसका अलग, प्लास्टिक है अलग, तो सारी चीज़ें अलग अलग करके डिसमेंटल करके अलग अलग बेचते हैं। तो ऐसा कुछ हर जगह मतलब आपको यहाँ से पूरा 10 किलोमीटर ऐसे दुकान यहाँ पर शिप का पार्ट पार्ट मिलता है। अच्छा हर जगह आपको पूरा शेप, हाइड्रोलिक शेप, अच्छा अपना बोलता हूँ इंजन, इंजन तो सब यहाँ छोटे छोटे सब छोटे मिलता है, सब मिल जाएगा, सब वहाँ से लाते हैं काट के यहाँ सारा डिसमेंटल करके यहाँ फिर यहाँ बेचते हैं। और बांग्लादेश का जो आयरन सप्लाई है ना, बांग्लादेश का आयरन सप्लाई वो 50% लोग शिप ब्रेकिंग यार्ड से जाते हैं। सारा लोखंड जो निकलता है उसको रॉड बनाता है उसको फिर वो करते हैं, रिसाइकल करते हैं, न्यू वो बनाते हैं, फिर उसके बाद वो 50% शिप बनाता है बराबर। तो देख सकते हो यहाँ ड्रम पूरा रखे हुए हैं वहाँ से निकले हुए, देखिए वो भाई कहाँ है, देखिए पूरा ड्रम रखे हुए। तो 50% आप सोच सकते हो, 50% जो लोहा, जो आयरन का सप्लाई है बांग्लादेश का, वो ये इधर शिपयार्ड से आता है। तो काफ़ी बड़ा बिजनेस है, काफ़ी बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा बांग्लादेश का पैसा यहाँ से जाता है बराबर, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इसकी, ऐसा नहीं समझेगा बराबर। फिर भी हम लोग बहुत दूर तक जाके देख लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है, अच्छा खासा हम लोग देख लिए, पूरा अंदर तो नहीं देख पाए क्योंकि सेफ्टी रीज़न, तो आप समझ ही सकते हो कि यहाँ लोग मरते हैं, कुछ भी नहीं, सेफ्टी नहीं थी, तो इसलिए तो ठीक है समझ सकते हैं। बाकी चीज़ तो हम लोग देख ही लिए, तो चलते हैं बाहर आगे। तो देख लिए जो देखना था, कटिंग करने का वो देख लिए, करने के लिए कुछ भी देखना था वो देख लिए। तो चलते हैं, देखिए अभी भी ट्रैफिक लगी हुई है वैसे।